बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद तैमूर मंशा चोड़ी, बायोलॉजी डिपार्टमेंट, एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, सांगला हिल कैंपस। आज हम सेकंड ईयर बायोलॉजी को सीरीज़ की फॉर्म में लेक्चर बाय लेक्चर लेके चलेंगे इंशाल्लाह। इसको हम पूरे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, चाहे हमारे 200 लेक्चर हो जाएँ। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है, इसी तरह लेक्चर नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सारे लेक्चर्स होंगे। तो आपसे गुजारिश है कि चैनल के साथ बने रहिएगा, कोई भी कन्फ्यूजन हो बायोलॉजी के रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, इंशाल्लाह वो कन्फ्यूजन क्लियर होगी। तो स्टार्ट करते हैं जी। सेकेंड ईयर बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 1 है, एक्चुअली उसको लिखा गया है चैप्टर नंबर 15, क्योंकि हमने फर्स्ट ईयर में चैप्टर 14 पढ़े हैं, उसी को आगे कंटिन्यू किया है हमने। 15, 16, 17 और 27 चैप्टर तक ये सारी आपकी सेकेंड ईयर बायोलॉजी है। तो पहला चैप्टर है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस को अगर हम बाय वर्ड इसकी एटमोलॉजी देखें, तो एटमोलॉजी में हमें वर्ड्स नज़र आ रहे हैं दो, होम्यो और स्टेसिस। तो बेसिकली ये एक ग्रीक वर्ड है, होम्योज, जैसे बायोज लाइफ, रिलेटेड टू लाइफ है, इसी तरह होम्योज है जो कि सिमिलर से रिलेट करता है। तो इसी तरह से स्टेसिस है, स्टेसिस निकला है स्टेट से, कंडीशन, सिमिलर कंडीशन, बैलेंस कंडीशन जो है, इक्विलिब्रियम रखना किसी भी बॉडी का, वो कहलाता है होम्योस्टेसिस। तो बैलेंस, तवाजन जो है ज़िंदगी में होना, एज अ मुस्लिम हमें पता है कि हमने अपनी हर चीज़ को अंदर बैलेंस रखना है, अपने रिलेशंस में, अपने बिजनेस में, ये तमाम चीज़ें जो हैं एतदाल के अंदर रहेंगी तो फिर ही हम कामयाब हो सकते हैं। इसी तरह से बायोलॉजिकली अगर हम बात करें, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी के जो इंटरनल मामलात हैं वो सारे बैलेंस रहेंगे, इंटरनल चीज़ें बैलेंस रहेंगी तो फिर ही वो जानदार सरवाइव कर सकता है। तो बाय वर्ड अगर हमने यहाँ पर देखा है, अगर इसकी डेफिनेशन देखें बाय बुक जो आपके दी गई है, तो लिखता है कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो डेफिनेशन को समझने से पहले हमें ये दो चीज़ें समझनी हैं यहाँ पर जो डिस्कस हुई हैं, इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। कोई भी जानदार है तो वो दो तरह के इन्वायरमेंट्स में रह रहा होता है। इन्वायरमेंट बेसिकली हम कहते हैं कि सराउंडिंग, हमारा जो सराउंडिंग है हमारा इन्वायरमेंट है। लेकिन अगर हम देखें कोई भी ऑर्गेनिज्म, उसका एक इंटरनल इन्वायरमेंट होता है और एक उसका एक्सटर्नल सराउंडिंग है। इंटरनल इन्वायरमेंट विद इन द बॉडी और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है आउटसाइड द बॉडी। आउटसाइड द बॉडी इन्वायरमेंट में क्या चीज़ें हैं, उस जानदार के सराउंडिंग क्लाइमेट कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, मतलब सर्दी है, गर्मी है, हवा चल रही है, नमी है हवा में, बारिश हो रही है, ये उसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। तो हमें पता है कोई भी जानदार है किसी भी जगह पर रह रहा है तो वो उसका जो इन्वायरमेंट होता है वो यकसा नहीं रहता, वो चेंज होता रहता है, कभी बारिश हुई, कभी सर्दी, कभी गर्मी। लेकिन हमारी जो बॉडी की इंटरनल सिचुएशन है, सेल्स के सराउंडिंग इन्वायरमेंट है, इंटरनल इन्वायरमेंट, वो जो है वो कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। या फिर आप कह लें कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के जो खतरात हैं उससे हमने अपनी इंटरनल बॉडी को बचाना है। तो ये बचाव का अमल जो है ये होम्योस्टेसिस कहलाता है। ठीक है, तो सिंपल एग्जांपल अगर हम लें तो इसकी ये है कि जैसे अभी मुझे पसीना आ रहा है, तो ये जो पसीना आ रहा है ये एक्चुअली मेरी बॉडी का होम्योस्टेटिक फंक्शन है। मेरी बॉडी, क्योंकि हम आजकल जो सीज़न चल रहा है ये गर्मियों का है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, वो ज़्यादा हीट मेरी बॉडी के अंदर इंटर हो रही है। तो इसका मतलब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज आया, उसकी वजह से मेरा इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर भी थोड़ा बहुत चेंज आ रहा है। लेकिन ये चेंज जो है अगर रहे ऐसे ही तो मेरी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर भी बहुत रेज हो जाए। लेकिन मेरी बॉडी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, जी हाँ हमें पता है 37, हमने 37 के ऊपर मेंटेन रखना है। तो वो 37 से जो अप हीट है उसको मेरी बॉडी इन द फॉर्म ऑफ स्वेटिंग जो है वो ये रिलीज कर रही है। और जैसे ही मेरी बॉडी का टेम्परेचर 37 हो जाएगा, मुझे स्वेटिंग आना बंद हो जाएगी,
तो नॉर्मली आपने देखा है अगर बाहर से आ रहे हैं आप, बाहर हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा होगा क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। जैसे ही कमरे में आते हैं, कमरे का टेम्परेचर थोड़ा सा लो होता है तो आपको गर्मी की जो शिद्दत है वो कम हो जाती है, फील नहीं होती, और इसी तरह से स्वेटिंग आना भी कम हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 हो जाता है। अब हम अगर देखें कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस की ज़रूरत क्यों है बॉडी को, तो ज़रूरत इसलिए है, हमने अभी बात की कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, ठीक है, कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, लेकिन उसके जो इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर चेंज इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। थोड़ी बहुत गुंजाइश है, थोड़े वक्त के लिए गुंजाइश है कि वो चेंज हो, लेकिन बहुत ज़्यादा चेंज होगा तो फिर नुकसान होगा। अब यहाँ पर दो टर्मिनोलॉजीज यहाँ पर भी आपने समझनी है। एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है उसमें कंटिन्यूस चेंज है, यानी कि आप इसे कह सकते हैं वाइड रेंज में फ्लक्चुएशन होती है, वो एनवायरनमेंट अप एंड डाउन होता है वाइड रेंज में, बहुत ज़्यादा यकदम अगर 45 डिग्री है तो अगर बारिश हो गई है तो वो यकदम जो है वो 20 के ऊपर आ सकता है, और इसी तरह से अगर ये छांव है यकदम सूरज बहुत चढ़ गया है, बहुत ज़्यादा धूप हो गई है तो टेम्परेचर राइज कर जाएगा, तो ये वाइड रेंज पर फ्लक्चुएशन है। दूसरी तरफ नैरो रेंज, हम कहते हैं कि एवरी ऑर्गेनिज्म कीप इंटरनल फ्लक्चुएशन विद इन नैरो रेंज, वो अपनी बॉडी की जो इंटरनल हालात हैं उसको एक थोड़ा बहुत चेंज तो करता है लेकिन उसके अंदर ही रखता है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं करता। नैरो रेंज और वाइड रेंज में ये डिफरेंस है। नैरो रेंज को समझने के लिए एक हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री, बॉडी ने मेंटेन करना है, ठीक है, तो ये जो मेंटेन करना बॉडी के लिए एज कंपेयर टू 36 टू 38 थोड़ा सा मुश्किल है। इसके लिए सिंपल एग्जांपल लेंगे, मैं कहता हूँ किसी को कि यहाँ पर आप निशाना लगाएं, ये पॉइंट मैंने दे दिया एक, यहाँ पर निशाना लगाएं, उसके लिए मुश्किल होगा कि एक ही पॉइंट है उसी पॉइंट को जाके हिट करना है, मुश्किल होगा ना। लेकिन अगर मैं कहूँ ये एक पॉइंट है और ये पॉइंट है, इसके दरमियान में आप किसी भी जगह पर निशाना लगा सकते हैं, ये एक रेंज दे दी थोड़ी सी कि इसके दरमियान में आप निशाना लगा लें, तो डेफिनेटली क्या होगा, वो बंदा जो है इजीली निशाना लगा लेगा, उसे थोड़ी सी गुंजाइश मिल गई। ऐसे ही बॉडी जो है 37 तो मेंटेन करती है, लेकिन एग्जैक्टली आप कह लें 37 नहीं, 36 से 38 के दरमियान में बॉडी के टेम्परेचर को क्या करती है, मेंटेन करती है, तो ये इसे हम कहते हैं नैरो रेंज, कि थोड़ी सी करीब करीब भी हम आ जाएं तो थोड़ा बहुत फर्क भी हो तो वो चल सकता है, ज्यादा फर्क नहीं चल सकता। अब हम अगर आगे देखें, कहते हैं कि एवरी ऑर्गेनिज्म हैज अ स्पेसिफिक सेट ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट सूटेबल टू इट्स सराउंडिंग एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि हर एक जानदार जो है उसकी इंटरनल कंडीशंस वो सेट होती हैं, उसने फिक्स की होती हैं कि मुझे इतना वाटर चाहिए, मुझे इतने साल्ट चाहिए, मेरा इतना टेम्परेचर होना चाहिए, ये सारी चीज़ें सेट होती हैं, और वो किसके मुताबिक होती हैं, उसके सराउंडिंग के मुताबिक, एक्सटर्नल टेम्परेचर के मुताबिक। फॉर एग्जांपल अगर बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से पानी जो है वो बहुत कम मिल रहा है तो उसकी इंटरनल कंडीशन कैसी होंगी, वो कम पानी में गुजारा करने वाला जानदार होगा। अगर एक्सटर्नली पानी बहुत ज़्यादा मिल रहा है तो इसका मतलब है कि उस जानदार ने बॉडी से ज़्यादा पानी बाहर निकालने का मैकेनिज्म जो है वो एडॉप्ट किया होगा और बॉडी जो है उसकी ज़्यादा पानी को यूज़ करती होगी, ठीक है, तो इंटरनल कंडीशन जो है उसके ऊपर बेस करती हैं जिस तरह का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है। और ये सारी जो इंटरनल कंडीशंस हैं ये कब बनती हैं, जब वो जानदार डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है, जब उस जानदार की तश्कील हो रही होती है, वो बन रहा होता है एटॉमिक लेवल पर, सब एटॉमिक लेवल पर, मोलेक्युलर लेवल पर, वो ख़ास किस्म के मॉलिक्यूल्स हैं, हमने फर्स्ट ईयर में पढ़े कि बायो मॉलिक्यूल्स ये होने चाहिए, ऑक्सीजन इतनी होनी चाहिए, कार्बन इतनी होनी चाहिए, तो वो फिक्स्ड हो गए कि इंटरनल जो है साल्ट, इंटरनली वाटर इतना चाहिए सेल को, इतनी उसकी ज़रूरियात है,
तो वो किसके मुताबिक होती है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के मुताबिक। इसकी सिंपल एग्जांपल आप ये समझने के लिए कि स्पेसिफिक सेट ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट क्या है। जैसे कोई आप पेडिस्टल फैन लेते हैं जो नीचे रख के हम चलाते हैं, उसकी खास स्पीड होती है, ठीक है, 1, 2, 3 मैक्सिमम, या किसी की 4 भी होगी, तो उसने उसी हद में जाना है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है या 3, ठीक है। तो उसे बाहर से करंट जितना मर्जी मिले, उसने उतना ही तेज चलना है जितनी उसकी स्पीड है, और ये स्पीड जो है ये उसकी इंटरनल जो कंडीशन उसने फिक्स कर ली है कि इतनी ही स्पीड रहनी है। ये कब फिक्स हुई है, जब पंखे को बनाया गया, जब उसकी ऑर्गेनाइजेशन हो रही थी, उसको बनाया जा रहा था, तो उसकी स्पीड को हमने क्या किया, वहीं पर स्टेबल कर दिया। इसी तरह से बॉडी की इंटरनल कंडीशन जो है कि साल्ट कितना, वाटर कितना, टेम्परेचर कितना, कितने मॉलिक्यूल चाहिए, वो सारे एट द डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फिक्स्ड होते हैं। अब हमने ये देखना है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस की अहमियत क्या है, ठीक है, इसका फायदा क्या है, ये देखिएगा जरा। कहता है कि इट इज द सेंट्रल रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन सूटेबल इन्वायरमेंट, कि ये हर एक जानदार की सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, इसके बगैर कोई भी जानदार सर्वाइव ही नहीं कर सकता। कैसे सर्वाइव करेगा, फॉर एग्जांपल अब हीट बहुत ज़्यादा है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, वही हीट मेरी बॉडी में इंटर हो रही है, तो मैं 37 से वो टेम्परेचर हाई हो गया है, तो अगर हाई ही रहा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के मुताबिक, मेरी भी बॉडी का टेम्परेचर वही उतना ही रहा, तो इसका मतलब है मेरे तो सारे एंजाइम हो गए डीनेचर, फिर तो मैं नहीं सर्वाइव कर सकता। तो ये जो स्वेटिंग आ रही है, जो बार बार मैं पूछ रहा हूँ इस तरह से, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन ये जो स्वेटिंग है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है होम्योस्टेसिस का, तो ये अगर ना हो तो मैं सर्वाइव नहीं कर सकता। इसका मतलब है मेरी बॉडी को सर्वाइव करने के लिए अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट क्या चाहिए, होम्योस्टेटिक फंक्शन परफॉर्म होना चाहिए, ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट इसका फायदा देखें, तो कहता है कि जो होम्योस्टेसिस है इट कंट्रीब्यूट इन एवोल्यूशनरी प्रोसेस, एवोल्यूशन के अंदर भी ये कंट्रीब्यूट करती है, और ये ब्रिंग्स द एडोप्टेशन इन ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिज्म के अंदर ये जो चेंज आता है अकॉर्डिंग टू द टाइम, स्पीशीज जो है वो चेंज हो जाती हैं अपने इन्वायरमेंट के लिहाज से, डिफरेंट इन्वायरमेंट में जाती हैं, तो वो उसकी स्पीशीज जो है वो थोड़ी सी पिछली स्पीशीज से डिफरेंट हो जाती है। इसमें होम्योस्टेसिस का बड़ा अहम रोल है। वो रोल क्या है उसको हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है जी एक खास किस्म का जानदार जिसकी इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर है 37। ये फिक्स्ड इंटरनल उसका एनवायरनमेंट है कि इसने अपनी बॉडी का टेम्परेचर रखना है 37। इसी तरह अगर वो बहुत ज्यादा हॉट इन्वायरमेंट में है, गर्मियों का मौसम है, गर्मियों के मौसम में बाहर टेम्परेचर कितना हो जाता है जी, यस प्लीज, 45 डिग्री या इससे भी हाई हो जाता है, ऐसे ही है। तो 45 डिग्री बाहर टेम्परेचर हाई है, वही ज्यादा हीट उसकी बॉडी के अंदर इंटर होगी, ऐसे ही है। तो इसकी बॉडी ने क्या करना है, जो एक्स्ट्रा हीट इंटर हुई है उसको 37 पे लाने के लिए अपनी बॉडी का होम्योस्टेटिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म करना है। तो वो परफॉर्म कैसे करेगी, वही हमने बार बार बात की है कि स्वेटिंग आएगी तो एक्स्ट्रा हीट जो है वो उसकी बॉडी से बाहर निकल जाएगी और 37 टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि यही जानदार यहां से मूव करके दूसरे इन्वायरमेंट में चला जाता है, और ये इन्वायरमेंट जो है ये ठंडा है, उसका टेम्परेचर कोल्ड है, सर्दियां आ गई हैं, वहां पर सर्दी है, तो फॉर एग्जाम्पल 20 डिग्री उस जगह का टेम्परेचर है, तो इसका मतलब है इसने 37 अब मेंटेन करने के लिए हीट को बॉडी से बाहर नहीं निकालना, बल्कि इसको क्या चाहिए, हीट चाहिए, इसने हीट प्रोड्यूस करनी है, हीट की कमी है, बाहर से हीट नहीं मिल रही, कम मिल रही है। तो वही अगर होम्योस्टेटिक फंक्शन इधर भी परफॉर्म होगा कि हीट को बॉडी से बाहर निकाले, इधर तो कूलिंग मैकेनिज्म हो रहा था, लेकिन इधर भी अगर कूलिंग मैकेनिज्म हुआ तो उसकी बॉडी से ये जो हीट है वो भी निकल जाएगी, ऐसे ही है। तो वो क्या करेगा, वो फिर क्या करेगा, यहां पर उसकी जो बॉडी का होम्योस्टेटिक फंक्शन है वो डिफरेंट होगा, यहां कूलिंग मैकेनिज्म नहीं चलेगा,
बॉडी को कूल नहीं किया जाएगा, बल्कि यहाँ बॉडी को गर्म किया जाएगा, बॉडी की मेटाबॉलिक हीट प्रोड्यूस की जाएगी, इतनी हीट प्रोड्यूस की जाएगी कि बॉडी का टेम्परेचर 37 हो जाए, क्योंकि टेम्परेचर बाहर बहुत कम है, 20 है, तो वो 20 को उठा के हम 37 तक लेके जाने के लिए जितनी हीट हमें चाहिए वो बॉडी प्रोड्यूस करेगी। अगर प्रोड्यूस करेगी तो इस एनवायरनमेंट में वो जानदार क्या करेगा, सर्वाइव करेगा। अगर नहीं प्रोड्यूस करेगी तो वो इस इलाके में सर्वाइव नहीं कर सकता, इस एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर तो उसने होम्योस्टेसिस जो है वो चेंज कर ली है तो इस एनवायरनमेंट में वो सूटेबल हो गया और उसकी स्पीशी चेंज हो गई, उसके अंदर एवोल्यूशन हो गई, ठीक है। यहाँ पर कूलिंग मैकेनिज्म हो रहा था, यहाँ पर उसने वार्म मैकेनिज्म स्टार्ट कर दिया, तो इसका मतलब है स्पीशी चेंज हो गई, एवोल्यूशन हो गई। लेकिन अगर वो नहीं करता, यहाँ पर अपनी होम्योस्टेसिस को चेंज नहीं करता, तो वो फिर यहाँ पर सर्वाइव ही नहीं कर सकता। इसलिए हम कहते हैं कि एवोल्यूशनरी प्रोसेस में होम्योस्टेसिस जो है वो इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट बॉडी जो है उसकी नीड चेंज होती है, तो बॉडी की नीड के मुताबिक जो होम्योस्टेटिक फंक्शन है वो भी परफॉर्म होता है। सर्दियों में हमें पसीना आता है, गर्मियों में हमें उलट हमने कह दिया, सर्दियों में हमें क्या आता है, पसीना नहीं आता बल्कि हम कपकपाते हैं, क्योंकि हीट हमें चाहिए होती है, हम हीट के सामने बैठते हैं। लेकिन गर्मियों के अंदर हीट तो बहुत ज़्यादा हुई होती है, हाई गर्मी कर रहे होते हैं, तो वो गर्मी हमने बॉडी से बाहर निकालनी है, सही है। तो अकॉर्डिंग टू द नीड अगर बॉडी चेंज होगी तो हम उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट है मोस्ट ससेप्टिबल कंपोनेंट्स, वो कौन से कंपोनेंट्स हैं जो एनवायरनमेंट के चेंज होने से बॉडी के इंटरनल वो भी चेंज हो जाते हैं। जैसे अभी हमने बात की कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अगर टेम्परेचर हाई है तो इंटरनल एनवायरनमेंट हमारी बॉडी का भी टेम्परेचर हाई होगा, वो अलग बात है कि उसको हम बाद में क्या कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। इसी तरह से सोल्यूट और वाटर है, वाटर बाज़ दफ़ा किसी भी ऑर्गेनिज्म को ज़्यादा मिल रहा होता है, किसी ऑर्गेनिज्म को कम मिल रहा होता है, तो वो ऑन द नीड जो है, ऑन द बेसिस ऑफ नीड ये चीज़ें जो हैं वो कंपनसेट करता है। तो वाटर, सोल्यूट और टेम्परेचर ये सबसे इम्पोर्टेंटली इफेक्टेड होते हैं किसी भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज के ज़रिए से। अब इसी के लिहाज से थर्मो जो होम्योस्टेसिस है उसकी आगे फर्दर तीन टाइप्स हैं, होम्योस्टेसिस के तीन कंपोनेंट्स आप कह लें। एक है थर्मोरेगुलेशन, दूसरा है ओस्मोरेगुलेशन और तीसरा है एक्सक्रीशन। थर्मोरेगुलेशन की एटमोलॉजी देखें, इसमें दो वर्ड्स हैं, थर्मो रिलेटेड टू हीट, रेगुलेशन का मतलब है कि मेंटेन करना। इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी जानदार ऑन द बेसिस ऑफ नीड, वो उसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट अगर चेंज हुआ है तो इंटरनल एनवायरनमेंट को भी वो रेगुलेट करेगा, अपनी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करेगा। तो थर्मो रेगुलेशन इज द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर विद इन अ टॉलरेबल रेंज, कि अपनी बॉडी का टेम्परेचर उसने नॉर्मलाइज करना है, इतना करना है कि वो बर्दाश्त कर सके, ना ही बॉडी के इंटरनल उसने टेम्परेचर को हाई करने देना है ना ही लो करने देना है। अगर बाहर गर्मी है फिर भी 37 तक रखना है, बाहर सर्दी है फिर भी इंटरनल 37 रखना है, ये उसकी बर्दाश्त वाली हद है, इससे ज़्यादा या कम होगा तो बॉडी बर्दाश्त नहीं करेगी, ठीक है। तो वो कैसे करता है ये पूरे चैप्टर में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट कैसे होता है। इसके बाद नेक्स्ट है ओस्मो रेगुलेशन, ओस्मो रिलेटेड टू वाटर एंड साल्ट, एंड रेगुलेशन डेफिनेटली मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड साल्ट इन द बॉडी, इट इज़ अ मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन ऑफ सल्यूट एंड गेन एंड लॉस ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये भी हम डिटेल में नेक्स्ट पढ़ेंगे कि ओस्मो रेगुलेशन प्लांट्स के अंदर कैसे होती है, ओस्मो रेगुलेशन एनिमल्स के अंदर कैसे होती है, पौधे अपना वाटर और साल्ट कैसे बैलेंस करते हैं और एनिमल्स अपना वाटर और साल्ट कैसे बैलेंस करते हैं। नेक्स्ट थर्ड जो है वो हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या है, ये ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें हम नाइट्रोजिनस वेस्ट को बॉडी से बाहर रिमूव करते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो ये डिटेल में तो हम देखेंगे कि नाइट्रोजिनस वेस्ट क्या है,
कौन कौन सी कैटेगरीज हैं इनकी, कैसे बनता है, फिर भी रफली एक आइडिया ले लें कि जब भी प्रोटीन की डाइजेशन होती है अमाइनो एसिड हमें मिलते हैं, अमाइनो एसिड जब ब्लड में जाके कैटाबोलाइज होते हैं तो अमाइनो एसिड की जो डीअमाइनेशन होती है मतलब वो भी टूटते हैं आगे फर्दर, तो उससे अमोनिया बनता है। अमोनिया जहरीला है, वो नाइट्रोजिनस वेस्ट है, उसको बॉडी ने बाहर निकालना होता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, यूरिक एसिड या कुछ ऐसे जानदार हैं जो अमोनिया को डायरेक्ट ही बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो ये तीनों चीज़ें हम पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे डिटेल में, पौधों में भी और एनिमल्स के अंदर भी। तो आज हमने सिंपल पढ़ा है होम्योस्टेसिस क्या है, किसी भी चीज़ को बैलेंस करना स्पेसिफिकली बॉडी के इंटरनल जो है इंटरनल वाटर साल्ट और टेम्परेचर को बैलेंस करना, ये होम्योस्टेसिस है। तो इसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में फ्लक्चुएशन हो रही है, अप एंड डाउन चीज़ें हो रही हैं, लेकिन इंटरनली हमने उन चीज़ों को बैलेंस रखना है। उसके बाद हमने पढ़ा इसकी ज़रूरत क्या है, क्योंकि एक्सटर्नल लगातार वाइड रेंज में चेंज आ रहा है, बड़ा ही तेज़ी के साथ यकदम चीज़ें अप एंड डाउन होती हैं, इसको हम वाइड रेंज में कहते हैं कि एक हद जो उसकी ज़्यादा है, लेकिन इंटरनल कंडीशन को किसी भी जानदार ने क्या रखना होता है, नैरो रेंज में, टॉलरेबल रेंज, थोड़ी जो मतलब इतनी बर्दाश्त है, जैसे हमने 37 का कि बॉडी का टेम्परेचर होता है तो 36 to 38 इतनी एक गुंजाइश है अप एंड डाउन होने की, इससे ज़्यादा या कम नहीं, तो नैरो रेंज में रखना है, करीब करीब उसके रखना है। हमने फिर पढ़ा कि हर एक ऑर्गेनिज्म की इंटरनल जो कंडीशन है वो सेट होती है, जब वो डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में होता है तो उसमें ये सेट कर दिया जाता है कि इतने साल्ट, इतना वाटर, इतने ये मॉलिक्यूल्स इसके अंदर फिक्स्ड होंगे अकॉर्डिंग टू द नीड, अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। जैसे हमने पढ़ा कि पंखे के अंदर जब वो बनता है तो हम फिक्स कर देते हैं कि इसकी स्पीड इतनी होगी, 1, 2, 3, ठीक है, ऐसे ही। फिर हमने पढ़ा इसकी इम्पोर्टेंस कि ये एक सेंट्रल रिक्वायरमेंट है किसी भी जानदार की एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के मुताबिक सर्वाइव करने के लिए, सबसे इम्पोर्टेंट काम है, और ये एवोल्यूशन के अंदर भी हेल्प करता है। एवोल्यूशन में हेल्प कैसे करता है कि एक जानदार दूसरी जगह पर जाता है तो उस जगह पर रिक्वायरमेंट्स चेंज होती हैं, उस जगह पर अगर वो बॉडी की होम्योस्टेसिस चेंज होती है तो इसका मतलब है वो जानदार भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और उसके अंदर एवोल्यूशन हो जाएगी, अगर वो चेंज नहीं होता तो वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट हमने पढ़ा कि वाटर सोल्यूट और टेम्परेचर, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एक्सटर्नल फ्लक्चुएशन के ज़रिए से इफ़ेक्टेड होती हैं, तो इनको रेगुलेट करने के लिए प्रॉपर अलग अलग मैकेनिज्म है। थर्मो रेगुलेशन क्या है, टेम्परेचर को रेगुलेट करना 37 जैसे ह्यूमन बॉडी करती है, और इसी तरह से ऑस्मो रेगुलेशन क्या है, वाटर एंड साल्ट को बैलेंस करना, एंड एक्सक्रीशन क्या है, नाइट्रोजिनस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना। याद रखिएगा एक्सक्रीशन और इजेशन जो है ये दो डिफरेंट मैकेनिज्म है, इसको मज़ीद डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे और बताएंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर तक वेट कीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।